हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक फैशन कमर्शियल टाइप इंट्रो कैसे बनाएं। ये इंट्रो कुछ ऐसा दिखेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए ये इंट्रो सीखने के लिए। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपनी जो इंट्रो के लिए इमेज है वो फोटोशॉप में बनाई है। तो आप चाहें तो पेंट में भी बना सकते हैं, पर फोटोशॉप का एक एडवांटेज ये है कि आप जब आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे तब आप उसको इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट करके जितनी भी यहाँ पे लेयर हैं आप उनको डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स में भी एनिमेट कर सकते हो। तो फोटोशॉप का ये बड़ा एडवांटेज होता है, इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप फोटोशॉप में जो भी इमेज है आपको जो एनिमेट करनी है वो आप फोटोशॉप में ही बनाएं। तो ये मैंने एक इमेज बना दी थी अपने लिए, और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया ये लेटर्स अलग अलग एक बारी में आते हैं, तो सब लेटर्स को अलग अलग लिख के और मैंने उनको सीधी लाइन में अरेंज कर दिया है, और एम वाले को मैंने वाइट रखा है जिससे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आए। तो अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में चलते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स में अब हम इंपोर्ट करेंगे उस फोटोशॉप फाइल को। तो यहाँ पे इंपोर्ट में जाके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और याद रखिए कि एडिटेबल लेयर स्टाइल्स रहे जिससे जितना हो सके उतना फोटोशॉप में जो आपने बनाया उसका जो इसमें इमेज आएगी वो मैच करे। तो एडिटेबल लेयर स्टाइल्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा, पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रेंडरिंग थोड़ी तेज़ चाहिए। तो हम ओके दबाएंगे। अब जैसा कि ये सारी आ चुकी है एक कॉम्पोजिशन में, तो इस कॉम्पोजिशन को हम यहाँ ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करके ये हमारे पास पूरा वर्क लाइन आ गई। अब ये बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स तक होता है, तो हम सिर्फ 5-10 सेकेंड्स के बीच में लेंगे। तो हम इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से, और फिर हम इसे ड्रैग करेंगे। तो करीब इतना हम रख लेते हैं, और याद रखिए कि ये जो ऊपर वाला बार है इसे भी आप सेम जगह पे ड्रैग करें, इससे जो वीडियो है वो उतनी की ही बने जितने आप चाहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा, और जूम करके आप देखिए कि वो एकदम सही जगह पे ड्रैग है कि नहीं। तो फिर अब हम शुरू करते हैं कि कैसे करना है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने जो अपना लोगो है ये बड़ा वाला इसको एनिमेट किया था। अब एक चीज जो कभी मूव नहीं कर रही है वो है ये वाइट बैकग्राउंड। तो इस वाइट बैकग्राउंड को हम चाहते हैं कभी मूव ना करे ये, या फिर ये कभी फ्रेम से बाहर ना जाए, तो इसको हम लॉक कर दें। लॉक से ये रहता है कि ये एडिट नहीं हो पाती, फिर ये फिक्स्ड हो जाती है उसी जगह, और फिर आप जो भी एनिमेट करना चाहें वो इससे एनिमेट कर सकते हैं। तो अब हम स्पीयर लोगो पे जाएंगे, जो भी ये लोगो है या आपका जो भी लोगो है उस पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म से सिर्फ हम ओपेसिटी इसकी कम करेंगे की फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो की फ्रेम का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है, और ये सिंपल इंट्रो है तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं होता कि की फ्रेम इतना कर दे, क्योंकि फिर काफ़ी हाई एंड इंट्रोस के लिए फिर हम थोड़े एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालते हैं। पर इस वीडियो में सिर्फ हम की फ्रेम्स का यूज़ करके जो एक सिंपल इंट्रो मैंने आपको दिखाया था वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसी पोजीशन लेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा लोगो रिवील हो। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा सा ज़ीरो रखेंगे ओपेसिटी, की फ्रेम ऐड करते ही इसको हम ज़ीरो पे सेट कर देंगे। अब
हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारा लोगो रिवील हो, तो यहाँ पे जाके हम इसकी ओपेसिटी 100 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फेड इन टाइप ऑफ इफेक्ट आता है, और जो जूम आउट इफेक्ट जो आता है वो हम कैमरा से लाएंगे, तो हम देखेंगे उसे कैसे लाते हैं। पर उससे पहले आप सारे की फ्रेम्स को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कीजिए और फिर की फ्रेम असिस्टेंट पे जाके इजी ईज कर दें, तो उससे ये रहता है कि एक स्मूदर ट्रांजिशन बनता है। और फिर हम देखेंगे कि हर एक लेटर्स को हमें एनिमेट करना है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। और हम चाहते हैं कि लेटर्स जस्ट जैसे ही ये रिवील हो वैसे ही उसके जस्ट बाद ही ये नेक्स्ट लेटर पे नेक्स्ट लेटर ऐसे चलता रहे, तो हम नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे जो कि ई है। अब देखना है कौन सा वाला ई होगा, ये वाला सबसे पहला वाला। तो स्पीयर लोगों को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे जिससे हमें आसानी हो देखने कि कौन सी की फ्रेम्स कहाँ पे है। तो ऑल्ट दबा के हम इसे जूम इन कर देंगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा की फ्रेम्स दिखता रहेगा। अब हम जाएंगे ई पे जिसे हमें रिवील करना है, फिर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और सेम प्रोसीजर जो हमने इसके लिए लिया वही हम ई के लिए लेंगे। तो यहाँ पे ओपेसिटी को हम की फ्रेम कर देंगे, यहाँ पे ओपेसिटी इसकी इसकी यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे ओपेसिटी 0, तो यहाँ पे ये रिवील होगा। फिर हम इसको इजी ईज कर देंगे, ये हो गया ई का। तो हम देखेंगे कि ये पहले ये आता है, फिर जस्ट उसके बाद जैसे ही पूरा रिवील होता है उससे जस्ट पहले ये ई आना शुरू हो जाता है। और वैसे ही हम जो ई है उससे जस्ट पहले हम एल को रिवील करेंगे, फिर ऐसे ऐसे सारों को एक साथ रिवील करेंगे। फिर अब हम एल पे जाएंगे, एल को थोड़ा सा इसके पास लिया, फिर इसको ट्रांसफॉर्म में जाके सेम थिंग आपको ओपेसिटी के साथ करना है। ओपेसिटी यहाँ पे 0 रहेगी, तो इसके जस्ट बाद आपका ओपेसिटी 100 हो गया। फिर आप इसको दबा के F9 भी दबा दो, इजी ईज कर देना। के बाद हम एन को लेंगे, तो एन को हम इसके नीचे रखेंगे, तो फिर उसी तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर से हम रिवील करेंगे और इधर पे हम इसको 100% करेंगे। फिर हम दूसरे तीसरे वाले ई पे जाएंगे जो कि ये वाला है, इसको हम नीचे रखेंगे और फिर इसकी ओपेसिटी 100%। फिर हम एल को एलिमेंट एन एन को लेंगे अब, मिनिमाइज करते इसके नीचे, तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे इसका फेड इन स्टार्ट होगा, यहाँ पे पूरी तरह से रिव्यू होगा। अब बचा टी हमारे पास, तो टी को हम लेके आएंगे नीचे, इसको भी वैसे ही एनिमेट कर।
ये एक सिंपल ट्यूटोरियल है, इसीलिए हमने लेटर्स अलग अलग लिए हैं। अब एडवांस ट्यूटोरियल्स में आप एक बार में टेक्स्ट लिख के उसे सब डिवाइड करके और अलग अलग रिवील भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने अलग अलग लिया है सिंपल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारी 100% कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारा जो लेटर्स हैं वो सारे हमारे एनिमेट हो चुके हैं। अब हमें एक जूम इन काइंड ऑफ इफेक्ट डालना है, उसके लिए हम यूज करेंगे कैमरा का। कैमरा काफी यूजफुल होता है अगर आप एक साथ पूरा जूम इफेक्ट चाहते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप कैमरा को लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो स्केल है उस पर की फ्रेम डाल सकते हैं। जैसे हमने इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम डाला कि हमारे कुछ कुछ इंटरवल्स में ये अपने आप रिवील हो रहा है ओपेसिटी 0 to 100 करके, वैसे ही आप इसका स्केल 0 to 100 या 100 से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट मतलब छोटा कर सकते हैं, तो वो आप अलग अलग करना चाहें तो उस पर की फ्रेम डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक नया कैमरा ऐड करेंगे उसमें। कैमरा जो डिफॉल्ट सेटिंग से वही रखें। तो अब इसमें लिखा हुआ था कि कैमरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स को ही उस पर ही काम करेगा। तो जो भी हमारे लोगो और लेटर्स हैं उसको हम 3D में कर देंगे। तो ये जो एक बॉक्स आता है, क्यूब क्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो आता है, इसको हम रिवील कर देंगे यहाँ पे, और कैमरा इसी पे काम करेगा। और हमने ये लेयर तो बिल्कुल लॉक कर रखी थी, तो इसे आप ऐसे 2D भी छोड़ सकते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैमरा का जो पोजीशन है, आप देखेंगे कि अगर मैं इसे रिड्यूस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, छोटा हो रहा है। इस पे हम की फ्रेम ऐड करें और वो की फ्रेम वीडियो की स्टार्टिंग से शुरू होगा। इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ से हमारा की फ्रेम शुरू होगा। जैसे जैसे ये लोगो रिवील हो रहा है वैसे वैसे ये धीरे धीरे जूम आउट होगा। तो आप देखेंगे हो इसमें M शायद नहीं दिख रहा है, तो M को हम ट्राई करेंगे रिजूम करने का। M को हम स्पीयर लोगो के ऊपर रखेंगे जिससे ये M पूरा तरीके से दिखेगा। अब M दिख रहा है। तो यही है कि आप जहां पे इसको पोजीशन करते हैं उस हिसाब से ये लेटर्स हाइड या विजिबल हो जाते हैं। तो M पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने इसको स्पीयर लोगो के नीचे रख रखा था। अब इसको अगर मैंने ऊपर रखा है तो ये भी एक फेड इन टाइप इफेक्ट है। तो आप देखो प्रीव्यू, अब मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लेटर्स हैं ये धीरे धीरे फेड आउट हो। तो यहां पे हमारा शुरू होगा और एंड तक हमारा पूरा फेड आउट हो जाएगा, या फिर हम थोड़ा सा जल्दी इसको फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। ये अराउंड 7.5 सेकेंड्स तक है, तो 6.5 सेकेंड्स और या 1.5 सेकेंड्स में आप इसको पूरा फेड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका जो पॉइंटर है पूरा सेट कर रखा है। अब आपको बस ये करना है कि हर एक की जो ओपेसिटी है 100 पे पहले ही थी, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके और सबको पहले आप की फ्रेम ऐड कर दीजिए 100% का। तो यहाँ पे हमने सबके लिए 100% का ऐड कर दिया,
अब हम इस पॉइंटर को एंड तक ले जाएंगे, एंड तक। फिर हम सबकी जो ओपेसिटी है वो जीरो कर देंगे ठीक है के साथ। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। आप चाहे तो सभी को इजी इज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉर्मली छोड़ रहा हूँ। तो आप रिव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फेड आउट सा इफेक्ट आता है, पर हम चाहेंगे अब कि ये जो व्हाइट जो हमने बैकग्राउंड बनाया ये भी फेड आउट होना चाहिए धीरे धीरे। तो हम थोड़ा सा और इसको अब अनलॉक करके ट्रांसफॉर्म करेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि ये यहाँ से फेड आउट होना शुरू हो। यहाँ पे हम की फ्रेम डालते ही इसको 100 रखेंगे और वीडियो के एंड पर ये पूरा फेड आउट हो गया। तो अब हम पूरा एक बार देखते हैं कि कैसा बना है। तो ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया, फिर ये फेड आउट शुरू हो गया। तो आपने देखा कितना आसान था सिर्फ की फ्रेम्स को यूज करके एक क्लीन और प्रोफेशनल इंट्रो बनाने के लिए। और की फ्रेम्स से ज़्यादा आसान कुछ नहीं है ऐसा लोगो बनाने के लिए। तो आप ट्राई करके देखिए और मेरे को बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, ख्याल रखें, नमस्ते।